वेलकम डियर स्टूडेंट, होप कि आप सब फाइन होंगे। टुडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज बी क्वेश्चन नंबर 9। टुडे वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम एक्सरसाइज 4B। सो लेट स्टार्ट। दिस इज एक्सरसाइज 4B एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। रहीला, दिस इज क्वेश्चन ऑफ रहीला। रहीला फाउंड अ बैग ऑफ मनी। रहीला ने मनी का यानी कि पैसों का एक बैग उसे मिला। She decided to give 1/2 of the money to her best friend. उसने फैसला किया कि इतनी मनी वो अपनी फ्रेंड को दे देगी। 1/4 of money to her sister. इतनी मनी वो अपनी सिस्टर को दे देगी। 1/8 of money to her brother. इतनी वो अपने भाई को दे देगी। And 1/16 of monies to give 1/4 हर डैड। ठीक है, 1/8 जो है वो अपने डैड को दे देगी। अम्मा द अमाउंट ऑफ लेफ्ट वॉज इतने, उसके पास इतने पैसे बाकी बच गए। हाउ मच मनी वॉज इन द बैग वैन शी फाउंड इट। कितनी टोटल मनी थी जब उसको बैग मिला। ठीक है, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट इस तरह है कि रहीला को एक पैसों का बैग मिला जिसमें टोटल रुपीज़ इतने थे जितने वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, यानी कि 1/8। अब हमने बताना है कि इसमें टोटल मनी उसके पास कितनी थी। ठीक है, ये सारी जितनी भी उसने डिस्ट्रीब्यूट की हम सारे को ऐड कर लेंगे और 125 को भी इसमें ऐड करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास इसका सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन। रहीला फाउंड अ बैग ऑफ मनी। रहीला को सबसे पहले क्या हुआ कि रहीला को एक मनी का बैग मिला। ठीक है, नेक्स्ट शी गिव मनी हर फ्रेंड। उसने इतने पैसे अपनी फ्रेंड को दे दिए। शी गिव मनी हर सिस्टर। उसने इतने पैसे अपनी सिस्टर को दिए। शी गिव मनी हर ब्रदर। इतने पैसे उसने अपने भाई को दिए। शी गिव मनी हर डैड। इतने पैसे उसने अपने डैड को दे दिए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये जितनी पैसे उसने डिस्ट्रीब्यूट की इन सारों को हमने ऐड करके बताना है कि टोटल कितनी मनी उस बैग में से निकली थी। तो मनी लेफ्ट जितने पैसे बाकी बच गए थे वो भी हमने बता दिए। ये वो सारी पैसे लिखे हुए जो उसने डिस्ट्रीब्यूट की उस बैग में से, और जो उस बैग में बाकी बचा वो ये है। अब इन सारों को हमने क्या करना है, ऐड कर लेना है। ठीक है, टोटल मनी फाउंड, टोटल मनी जितनी उसे मिली थी 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/25। यहाँ पर इसका हमने ले लिया एलसीएम। ठीक है, इसको दोबारा मैंने यहाँ पे नीट करके इधर लिखा है ताकि आपको वाजिए से नज़र आए। उसके बाद यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेते हैं 2, 4, 8 एंड 16 का। नीचे वाली सारी वैल्यूज़ का एलसीएम ले लिया। 2 1 2 2 2 4 2 4 8 2 8 16 2 1 2 2 2 4 2 4 8 2 1 2 2 2 4 then 2 1 2 ये सारे फैक्टर्स आए हमारे पास 2 2 4 4 2 8 8 2 16। यानी कि जो एलसीएम निकला वो 16। ठीक है, 2 2 4 4 2 8 8 2 16। यहाँ पर एलसीएम आ चुका है हमारे पास 16। ठीक है, अब हमने देखना है कि इसको किस तरह फाइंड करते हैं। 2 8 16 होता है, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। 4 4 16 होता है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 8 2 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 16 16 सेम वैल्यू आ चुकी है तो 1 आ जाएगा ऊपर। प्लस ये इसी तरह यहाँ पर आएगा। यहाँ पर देखें 16 जो है वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा 125 से। जब आप 16 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो आपके पास 2000 आ जाएगा। अगर आपने देखना है कि किस तरह मल्टीप्लाई हो तो वो मैंने यहाँ पर किया है। 125 ऊपर रखा, 16 नीचे। 6 5 30 होता है, 0 लगा, 3 गया कैरी। 6 2 12 12 13 14 15 15 का 1 कैरी, 6 एंड 7। ठीक है, उसके बाद 1 फर्स्ट वाली वैल्यू क्रॉस, 5 आ गया, 2 आ गया एंड 1 आ गया। अब हमने इनको ऐड कर लेना। 5 5 10, 1 के कैरी 7 8 9 10, फिर 1 और 1 2 यानी कि 2000।
आपके पास जो आंसर निकला है वो 2000। अब उसके बाद आपने ऐड कर लेना है इन सारी वैल्यूज़ को आपस में, ठीक है। 8 + 4 + 2 + 1 2000 में ऐड करना है, वो भी मैंने यहाँ पर ऐड किया है 2000 में। ये सारी वैल्यूज़ राइट साइड पे लिख के तो उनको ऐड कर लेंगे, ये 2015 आ जाएगा। आपके पास जो फाइनली आंसर निकला है वो 2015/16 आंसर आ गया। ये आपका आंसर, होप कि ये आपको समझ आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।